मूसलाधार बारिश ने एकाएक जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। भारी बारिश से ग्लोड क्षेत्र के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। कांगू ग्लोड सुलौनी मार्ग 2 घंटे तक बंद रहा। जिहाना के पास सड़क पर भारी लहासे व पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। स्थानीय लोगों को जब सड़क पर लोगों के फंसे होने के बारे में पता चला तो स्थानीय युवा मंडल सिरेडी के प्रधान डिंपल ठाकुर व अन्य तुरंत मौके पर पहुंचे व सड़क से पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। वह कड़ी मुशक्कत के बाद सड़क से कुछ मलबे व पेड़ों को हटाकर 2 घंटे के बाद सड़क पर यातायात शुरू करवा दिया गया। सुबह सुबह स्कूली बच्चों को और ड्यूटी पर जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उसके बाद जिला प्रशासन ने भी स्कूल में छुट्टी कर दी। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि जब हिमाचल जैसे अति संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में मौसम बारे पहले से ही हाई अलर्ट था तो जिला प्रशासन को पहले ही स्कूलों को बंद करने के आदेश दे देने चाहिए थे। जब बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच गए तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद स्कूलों में सूचना मिली कि स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। थके हारे स्कूली बच्चे फिर एक बार जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर अपने अपने घर पहुंचे। गनीमत रही कि कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। क्षेत्र की कई सड़कें लहासे और पेड़ गिरने से बंद रही। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता उपमंडल धनेटा ज्ञानचंद ने बताया कि कर्मचारियों को फील्ड में भेज दिया गया है। जेबीसी मशीन से सड़कों पर पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। जहां से भी सड़क बंद होने का पता चल रहा है तुरंत उस जगह जेबीसी मशीन भेजी जा रही है ताकि सड़कों पर यातायात सुचारू हो सके।